तो दोस्तों, आज का जो आप लोगों के लिए मोटिवेशनल कोट होने वाला है, देखते हैं कि आप में से कितने लोग उसको समझते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आलस करने में आलस करो, आलस मत करो। हेलो एवरीवन, स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूँ द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है मार्च 5, 2019 और डे है ट्यूजडे। मैं आपको बता दूं, मैं अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एज वेल एज प्लस एजुकेटर हूं। अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे मेरे दो कोर्सेज चलते हैं, एक मेरा डेली करंट अफेयर शो होता है वहां पर, और सेकंड में वहां पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स प्लस बेसिक्स भी कवर करता हूं। तो अगर आप लोगों ने अनअकैडमी के प्लस मॉडल में एनरोल कर रखा है तो आप लोग मेरे कोर्सेज को भी अवेल कर सकते हो, और अगर आप लोगों के मोबाइल में अनअकैडमी की लर्निंग ऐप है वहाँ भी आप लोग मुझे सर्च करके फॉलो कर लेना। इस करंट वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। कल का सवाल, कल आप लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछा था सोलर विंड्स के बारे में और उनका क्या इफेक्ट होता है हमारे सोलर सिस्टम के ऊपर, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था और इसका जो आंसर था वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। उम्मीद है आप लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। आज के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का सवाल, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है क्लाउड्स के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्लाउड्स इन द एटमॉस्फेयर आर ट्रू। क्लाउड्स के बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट है, मोस्ट क्लाउड्स फॉर्म इन द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के अंदर ज़्यादातर क्लाउड्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं। ट्रोपोस्फेयर इज द लोवेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, बट ओकेजनली दे आर ऑब्जर्व एज हाई एज द स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर। कभी कभार वो स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर में भी देखने को मिल जाएंगे। सेकेंड स्टेटमेंट है, जो क्यूमुलस क्लाउड्स होते हैं दे आर कलेक्शन ऑफ आइस क्रिस्टल्स दैट फॉर्म इन द अपर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर व्हेन वाटर वेपर डिपॉजिट्स ऑन टू टाइनी पार्टिकल्स लाइक डस्ट और स्मोक। तीसरी स्टेटमेंट है, अदर प्लैनेट्स जैसे कि इन आर सोलर सिस्टम, उनके पास भी क्लाउड्स होते हैं, उनके पास भी बादल होते हैं। जैसे वीनस है, वीनस हैज थिक क्लाउड्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शंस करेक्ट है, ए 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 1 and 3 ओनली, या डी ऑल ऑफ द अबव। अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करना और कल आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब भी मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं द हिंदू की खबरों के साथ। पेज नंबर 1 पे आपको खबर मिलती है, पाकिस्तान बैंस यूएनएससी डेजिग्नेटेड आउटफिट, दिल्ली नॉट कन्विंस्ड। तो यहां पर जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारा प्रेशर बन रहा था, खासकर जहां पे इंडिया ने बहुत ज़्यादा यहां पे प्रेशर बना रखा है आज की डेट में पाकिस्तान के ऊपर, FATF जो हमारी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसने भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर ही रखने का फैसला किया। इसके साथ साथ यहाँ पे US, रशिया, यहाँ पे UAE और सऊदी अरेबिया, चाइना जैसी कंट्री भी धीरे धीरे पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बना रही हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर आज की डेट में इकोनॉमिक प्रेशर भी बनता जा रहा है, अगर उन सब चीज़ों को देखें तो पाकिस्तान की एक मजबूरी हो गई थी कि उसको एक बड़ा स्टेप लेना ही था, अपने आप को ये शोकेस करना ही था कि यहाँ पर वो टेररिज्म के खिलाफ है। तो यहाँ पे उन सब चीज़ों के बाद मार्च 4 को पाकिस्तान की सरकार ने एक ऑर्डर पास किया है जिसमें लश्कर ए तैयबा की 2 ऑफशूट्स को यहाँ पे इफेक्टिवली बैन कर दिया गया है। उन 2 ऑफशूट्स का नाम है जमात उद्दवा और फला ए इंसानियत फाउंडेशन। अगर इंडिया की माने तो इंडिया बेसिकली इसको एक सेप्टिकल रूप से देख रहा है। इंडिया एक पूरी तरीके से कन्विंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे फरवरी 2018 के अंदर भी यहाँ पे बैन करने का कुछ इसी तरीके का एक ऑर्डर पास किया गया था, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस था, बट 6 महीने बाद वो कोलैप्स हो गया। उसको क्यों एक लॉ में नहीं कन्वर्ट किया गया। इस तरीके से पहले भी पाकिस्तान ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं कि किन्हीं ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर देते हैं और फिर कुछ महीने बाद उनके ऊपर से बैन हटा लेते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं उनको इंडिया एक अलग नज़रिए से देखता है कि एक तरीके से आप कह सकते हो एक स्टंट का रूप भी हो सकता है, या जिस तरीके से FATF ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हैं पाकिस्तान के ऊपर, प्रेशर बनाया है, और अगर पाकिस्तान को अपने आप को इस ग्रे लिस्ट से बाहर करना है तो उन सब चीजों को धीरे धीरे फॉलो करना ही पड़ेगा। जो स्टेटरी रेगुलेशन यहां पे पाकिस्तान ने मार्च 4 को पास किया है उसके अंदर यह है कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एंटिटी अगर इन पर्टिकुलर 2 ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करेंगी तो उनकी प्रॉपर्टीज को ओन सीज कर दिया जाएगा, उनकी प्रॉपर्टीज को यहां पे फ्रोज कर दिया जाएगा, जो फिजिकल एसेट्स हैं उनको भी फ्रोज कर दिया जाएगा। और यहाँ पे बताया गया है कि ये स्ट्रीमलाइन करेगा बैनिंग ऑफ द ग्रुप्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जिन ग्रुप्स को बैन किया हुआ है उनके साथ एक साइमल्टेनियस बैन करने का ये पर्टिकुलर डिसीजन है।
यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ट्रेसिंग द रूट्स है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनी, आपके लिए एग्जाम रिलेवेंट बिल्कुल नहीं है, बट अगर आप चाहो तो आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। ये इंश्योर करेगा कि जितनी भी एंटिटीज़ यहाँ पे जो यूएनएससी की 1267 कमेटी ने बैन करी है, उनके जो एसेट्स हैं वो भी फ्रोज हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है, यहाँ पे स्टेट का मैं कंट्री के हिसाब से लिंक कर रहा हूँ, तो जो कंट्री है उसको यहाँ पे यूएनएससी की 1267 कमेटी ने जिन ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया हुआ है, लिस्ट में डाला हुआ है, उनके ऊपर बड़े स्टेप ले रही है। यूएनएससी 1267 कमेटी किस लिए है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सवाल है, कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे ड्रॉप करके बताना। साथ ही यहाँ पे जो JUD है और जो FIF है, दे वर लिस्टेड बाय द UNSC एज अलाइज फॉर द हाफिज सईद लेड लश्कर ए तैयबा दैट वॉज बैंड इन May 2005। हाउएवर अगर पाकिस्तान की माने, पाकिस्तान ने है उनको यहाँ पे वॉच लिस्ट शेड्यूल 2 के अंदर ही रखा था, नॉट दी बैंड लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड 1। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ ही अगर आप पाकिस्तान की एक वेबसाइट है और उनकी एक अथॉरिटी है जो कि टेररिज्म से डील करती है, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, ओके, तो उसमें भी देखोगे ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको 68 ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट के अंदर डाला हुआ है जो कि यहाँ पे एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, चाहे वो लश्कर ए तैयबा हो या मसूद अजहर लेड जैश ए मोहम्मद हो, मतलब इन ऑर्गेनाइजेशन को डाल रखा है, बट ये फिर भी ओपनली ऑपरेट करती हैं पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान को ये भी पता है कि जो मसूद अजहर है वो इस समय बीमार है, कौन से हॉस्पिटल के अंदर है, तो मतलब सारी जानकारी है उन ऑर्गेनाइजेशन को, उनकी खुद की कंट्री ने बैन किया हुआ है, बट फिर भी यहाँ पे चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाती हैं। नाउ गवर्नमेंट सोर्सेज इन दिल्ली सेड द डिसीजन वाज अ पार्ट ऑफ अ डिकेड ओल्ड फ्रॉड। इंडिया कहना है कि ये एक बहुत पुराना फ्रॉड है जिसको पाकिस्तान हर बारी करता ही जाता है। FATF की मीटिंग हुई थी पिछले महीने और वो लोग पाकिस्तान के किसी भी स्टेप से इम्प्रेस्ड नहीं थे और यहाँ पे पाकिस्तान को उसके बाद ग्रे लिस्ट के अंदर मेंटेन रखा, इस वजह से यहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन गया था, क्योंकि जब कोई कंट्री ग्रे लिस्ट के अंदर आ जाती है तो उसके ऊपर बहुत सारे इकोनॉमिक सेंक्शंस लग जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे देश उनके जो पासपोर्ट का लेवल होता है उसको भी डिग्रेड कर देते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उनकी कंपनीज को डिग्रेड कर देती हैं, और ख़ास बात यह जिस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है कि के पास BOP क्राइसिस चल रहा है आज की डेट में, अगर उससे डील करना है तो कुछ पैसे लेने ही पड़ेंगे बाहर की ऑर्गेनाइजेशन से, चाहे वो IMF ही क्यों ना हो, और अगर उन ऑर्गेनाइजेशन से आप लोगों को पैसे चाहिए तो आपको उनको ये भी दिखाना पड़ेगा कि हाँ आप भी अपनी तरफ से कुछ काम कर रहे हो, ओके। तो ये एक पर्टिकुलर आर्टिकल था जो आपको देखने को मिला। पेज नंबर 1 पे आपको एक और आर्टिकल देखने को मिलता है, होल्ड साइमल्टेनियस लोकसभा असेंबली पोल्स, जम्मू एंड कश्मीर पार्टीज अर्ज इलेक्शन कमीशन। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम के साथ मिली और उन्होंने यहाँ पे इस चीज़ की रिक्वेस्ट करी कि साइमल्टेनियस असेंबली और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होने चाहिए जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ओके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम जिसके अंदर यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा जी थे, इलेक्शन कमिश्नर्स थे जैसे सुनील चंद्रा जी और अशोक लवासा जी, और उन्होंने यहाँ पे डिस्कशन किया सीनियर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के साथ और फर्स्ट हैंड ग्राउंड सिचुएशन की रिपोर्ट ली कि यहाँ पर जो राउंड ऑफ स्ट्रीट या मिलिटेंसी रिलेटेड वायलेंस जो चल रहा है वो कितना शांत है और वहाँ पे इलेक्शन किस हद तक हो सकते हैं, ओके। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन की यहाँ पे बात हो रही है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लोकसभा के, और यहाँ पे जो असेंबली पोल्स हैं उनके। असेंबली पोल्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इस समय प्रेसिडेंट्स रूल लगा हुआ है, उससे पहले वहाँ पे गवर्नर्स रूल लगा हुआ था। एक चीज़ आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर के पास अपना खुद का संविधान, अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, इस वजह से यहाँ पर वहाँ पे पहले गवर्नर्स रूल लगता है। जब 6 महीने के लिए वो गवर्नर्स रूल लगा जाता है और यहाँ पे जो नई असेंबली फॉर्म नहीं होती है तो उसके बाद वो प्रेसिडेंट्स रूल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जून 2018 के अंदर यहाँ पे गवर्नर रूल लगा था और दिसंबर तक कोई फैसला नहीं हुआ था, कोई नई सरकार नहीं बनी थी, तो दिसंबर के अंदर वो प्रेसिडेंट्स रूल में हमें कन्वर्ट होता हुआ नज़र आया था। आगे आपको एक एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है। देखो एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको मिस मत किया करो, जो इंपॉर्टेंट होते हैं मैं उनको कवर कर ही देता हूँ। गेट रेडी फॉर द लोकसभा इलेक्शन 2019, और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने निकाला है कि ये है देश का महात्योहार, देश का महाउत्सव। तो अगर आप लोगों के पास आपके मतलब वोटर आई डी कार्ड बने हुए हैं, इलेक्टोरल रोल्स में आपके नेम है, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट वोट करने जरूर जाना, चाहे आप लोग वहाँ पर नोटा का बटन ही क्यों ना दबाओ,
बट आपको वोट करना ही है, वो आपका अधिकार है एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। और यहाँ पे कोई भी इलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत है तो आप यहाँ पे 1950 पे कॉल मिला सकते हो। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे जो नंबर है 1950 ये ही क्यों चुना गया है। देखो तो डिड यू नो में सवाल है ये कि 1950 को क्यों चुना गया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, गठन हुआ था, इस वजह से 1950 ही यहाँ पे कॉल नंबर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 7, आपको खबर मिलती है क्रॉप बर्निंग रेजेस रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस थ्रीफोल्ड सेज IFPRI स्टडी। तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने यहाँ पे एक स्टडी करी है कि यहाँ पे जिस तरीके से नवंबर के अंदर दिल्ली बन जाता है एक गैस चैम्बर, यहाँ पे दिल्ली के अंदर बहुत सारे, एक तो पोल्यूशन कम नहीं होता है कभी भी, और उसके साथ साथ जब स्टबल बर्निंग होने लगती है पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर, उसकी वजह से दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा हम लोगों को स्मॉग देखने को मिलता है, उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, उसी की स्टडी की गई कि उसकी वजह से रेस्पिरेटरी इलनेस कितनी ज़्यादा होती है। तो बताया गया है कि अगर जो एग्रीकल्चर रेजिड्यू को यहाँ पे बर्न किया जाता है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है यहाँ पे नॉर्थ इंडिया के विंटर पॉल्यूशन का, और जो रिस्क है रेस्पिरेटरी इलनेस का वो हमें तीन गुना यहाँ पे थ्रीफोल्ड होता हुआ हम लोगों को यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आता है। साथ ही यहाँ पे एनुअली $30 बिलियन का लॉस हो जाता है इन टर्म्स ऑफ डेज ऑफ वर्क लॉस्ट इन स्टेट्स अफेक्टेड बाय द क्रॉप बर्निंग। यहाँ पे इस स्टडी की कुछ की फाइंडिंग के बारे में बात करते हैं। तो की फाइंडिंग ये है कि लिविंग इन अ डिस्ट्रिक्ट विद इंटेंस क्रॉप बर्निंग रिजल्टेड इन अ थ्री फोल्ड रिस्क ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, डिजीज होते हैं, उनके चांसेस यहाँ पे तीन गुना बढ़ जाते हैं। साथ ही लैंसेट की स्टडी ने इस चीज़ को फाउंड किया था कि 12.5% जो टोटल डेथ होती हैं इंडिया के अंदर, 2017 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनमें से जो मेजर जो कॉन्ट्रीब्यूशन है 12.5% जो पूरा है वो एयर पॉल्यूशन की वजह से ही होता है। ओके, और खासकर इसमें जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। साथ ही दिल्ली वॉज द स्टेट विद द हाइएस्ट एनुअल पॉपुलेशन वाइट एंड मीन PM2.5, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, बिहार है, हरियाणा है नॉर्थ इंडिया के अंदर। तो बेसिकली ये जो फाइंडिंग है इसने यहाँ पे स्टडी करी हेल्थ रिकॉर्ड की 250,000 लोगों की हरियाणा के अंदर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पाइक देखने को मिलता है क्रॉप बर्निंग एपिसोड्स इन विंटर के अंदर, क्योंकि हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा हम लोगों को क्रॉप बर्निंग देखने को मिलती है। आंध्र प्रदेश के लोगों की भी यहाँ पे स्टडी की गई और तमिलनाडु के लोगों की स्टडी की गई, पर यहाँ पे सिमिलर बर्निंग एपिसोड्स नहीं देखने को मिले, सेम काइंड ऑफ यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं देखने को मिले, क्योंकि हरियाणा वाली साइड में ज़्यादा देखने को मिले, आंध्र प्रदेश तमिल वाली साइड में कम देखने को मिले। ओके, तो स्टडी थोड़ी सी यहाँ पे अलग रही। तो रिसर्चर्स ने यहाँ पे इन हेल्थ रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल किया, साथ ही यहाँ पे सैटेलाइट डेटा का भी इस्तेमाल किया फ्रॉम सितंबर 2013 टू फरवरी 2014। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल किया गया है, ये सैटेलाइट डेटा नासा, जो नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी यहाँ पे एक सैटेलाइट है जिसका नाम है मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग रेडियोमीटर, एमोडिस टेरा सैटेलाइट कहते हैं इसे, इसकी मदद से यहाँ पे क्रॉप बर्निंग फायर्स को डिटेक्ट किया गया। अब यहाँ पे देखा गया है कि जो लोग इन पर्टिकुलर जगहों पे रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रॉप बर्निंग होती है, रेजिडुअल बर्निंग होती है, ठीक है, तो यहाँ पे उनके ऊपर रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो टोटल बर्डन ऑफ डिजीज़ है फ्रॉम एयर पोल्यूशन वो हमें 1990 से 2016 के अंदर डिक्लाइन होता हुआ नज़र आया ड्यू टू द एफर्ट टू रिड्यूस द बर्निंग ऑफ सॉलिड फ्यूल फॉर हाउस होल्ड यूज़, और जो आउटडोर एयर पोल्यूशन है वो बढ़ता हुआ नज़र आया 16.6% से। इसके साथ साथ अगर हम हरियाणा के अंदर देखें तो 5.4% जो लोगों का यहाँ पर सर्वे किया गया वो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे थे, और सदर्न स्टेट में अगर उनका कंपेयर करें आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वाले जो एरिया के अंदर, तो वो सिर्फ 0.1% लोग यहाँ पे एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे थे। तो हम ये कह सकते हैं कि हाई इंटेंसिटी फायर एक्सपोजर वर्चुअली बिल्कुल एबसेंट है साउथ इंडिया के अंदर, और ज़्यादा जो इसका इम्पैक्ट होता है वो हमारे नॉर्दर्न पोर्शन के अंदर होता है। यहाँ पे एक दशक हो गया है और दिल्ली के लोग, दिल्ली खुद बार बार कंप्लेंट कर रही है स्टबल बर्निंग के लिए,
और बहुत सारी आसपास की स्टेट्स, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, उन्होंने स्टबल बर्निंग से रिलेटेड कुछ बहुत सारे यहाँ पे लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन भी बनाए। बट द प्रॉब्लम इज़, प्रॉब्लम ये है कि फार्मर्स के पास भी स्टबल बर्निंग के अलावा कोई और चारा नहीं है। उनके पास यहाँ पे एडिक्वेट टेक्नोलॉजी नहीं है, एडिक्वेट मशीनरी नहीं है। तो सरकार मशीनरी दे रही है, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। बीच में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे देश के जो फार्मर्स हैं, वो मैक्सिमम जो फार्मर्स हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, और उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो यहाँ पे उन मशीन्स के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर सकें। देखो 2013 की बात है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इशू किए थे कुछ डायरेक्टिव्स पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को, और उनको बोला था कि आप स्टबल बर्निंग को बैन कर दो। साथ ही जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स हैं इन पर्टिकुलर स्टेट्स के, इनके साथ साथ जो टॉप ऑफिशियल्स हैं एट दिस सेंटर, उन्होंने डिक्लेयर किया था जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की, बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा ऑफ द बर्निंग ऑफ स्टबल, विच हैज़ बीन एस्टिमेटेड टू कंट्रीब्यूट एनीवेयर बिटवीन 7% टू 78% ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर एमिशन लोड इन दिल्ली ड्यूरिंग द विंटर्स। तो पेज नंबर 7 पे आपको देखने को मिली आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा स्टफ्स, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम रिलेवेंट। तो बेसिकली दिल्ली एनसीआर बन जाता है गैस चैम्बर, उसके कुछ रीज़न होते हैं। एक तो मान लो कि ये दिल्ली है, एक तो यहाँ पे स्टबल बर्निंग जब होती है उसी दौरान आपको ये देखने को मिलेगा जो नॉर्थ वेस्टरी विंड्स होती हैं वो चलती हैं, उस वजह से दिल्ली के अंदर चीज आज आके इकट्ठी हो जाती हैं सारी की सारी चीज़ें। और यहाँ पे जो नवंबर वाला टाइम होता है उस समय थोड़ी सी आपको विंटर रेन्स भी देखने को मिलती हैं हल्की हल्की, तो उस वजह से क्या होता है, इस तरीके का एक साइक्लोनिक इफेक्ट बन जाता है कि वो जो स्टबल बर्निंग और जो पॉल्यूशन है वो दिल्ली के ऊपर ही इकट्ठा हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि दिल्ली के अंदर जब आप एयर पॉल्यूशन देखते हो वो नवंबर के टाइम पर बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आता है। यहाँ पर आप हॉटस्पॉट देखो, हॉटस्पॉट वो जगह हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टबल बर्निंग होती है, पटियाला के अंदर, कैथल में, जिंद में, करनाल में, फतेहाबाद में, सिरसा में, ओके, हिमाचल वाली साइड, और ये दिल्ली की तरफ चलती हैं ड्यू टू द विंड डायरेक्शन, क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्ली विंड यहाँ पे अपने साथ साथ स्मोक को लेकर आती हैं फ्रॉम द फील्ड बिफोर द विंटर। सब यहाँ पे ये इतनी ज़्यादा हार्मफुल क्यों है, क्योंकि अगर वन टन अगर यहाँ पे स्टबल बर्निंग को रिलीज किया जाता है तो 2 kg SO2 सामने आती है, 3 kg PM, 60 kg CO2, 1460 kg CO2 और 60 kg कार्बन मोनोक्साइड, 199 kg ऑफ ऐश हमारे सामने आती है, और साथ ही यहाँ पे न्यूट्रिएंट भी लॉस हो जाता है। जो पैडी स्टॉक को अगर बर्न कर दिया जाता है पर हेक्टेयर, तो नाइट्रोजन का लॉस होता है, फॉस्फोरस का होता है, पोटेशियम का होता है, सल्फर का होता है, और यहाँ पे बहुत सारी और सिचुएशन देखने को मिलती हैं। तो एयर पॉल्यूशन तो होता ही होता है, साथ ही यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का भी लॉस हम लोगों को दिखाई देता है। साथ ही यहाँ पे एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक्चर, कैपिटल्स नाइटमेयर, ओके, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बट व्हाट इज़ दी हेल्थ इम्पैक्ट, हेल्थ इम्पैक्ट कहाँ पे होता है, विंटर क्रॉप बर्निंग की वजह से दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, रेस्पिरेटरी डिजीज होती हैं, सॉइल का न्यूट्रिएंट लॉस हो जाता है, और सॉइल के इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं, वो भी हमें गायब होते हुए नज़र आते हैं। नासा के मैपर्स के हिसाब से आप देख सकते हो, कुछ हिमाचल प्रदेश के अंदर भी एरिए हैं, पंजाब के अंदर तो हैं ही, हरियाणा के अंदर भी हैं, दिल्ली के भी यहाँ पे कुछ आउटस्कर्ट्स में कुछ एरिए हैं जहाँ पे स्टेबल बर्निंग की जाती है। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 7 की तरफ, खबर आपको मिलती है एयर इंडिया क्रू विल नाउ चैंट जय हिंद। तो यहाँ पे जो एयर इंडिया है वो अपने नेशनलिस्टिक क्रेडेंशियल्स को शो करेगा आफ्टर इट्स क्रू वर इंस्ट्रक्टेड ऑन मंडे टू से जय हिंद विद मच फर्वर फॉलोइंग एवरी अनाउंसमेंट। हर अनाउंसमेंट के बाद एयर इंडिया के अंदर जय हिंद का नारा लगाया जाएगा, और इसको इमीडिएट इफेक्ट से लागू करना भी चालू कर दिया है। इससे पहले यहाँ पे वेज ओनली मील दिए जाने का फैसला भी लिया गया था फॉर इकोनॉमिक क्लास पैसेंजर्स। हम भी अपने आगे के लेक्चर को जय हिंद के साथ ही शुरुआत करते हैं। तो चलिए पेज नंबर 7 पे ही आपको एक और खबर मिलती है, इंडिया टू टाई अप विद 4 nations टू सेव राइनोस। ये न्यूज़ मैंने आपको बताई थी कि अभी एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन साइन आउट किया गया है, और उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो इंडिया कोलैबोरेट कर रही है भूटान के साथ, नेपाल के साथ, इंडोनेशिया के साथ, मलेशिया के साथ, जिससे जो पॉपुलेशन है इन तीन जो राइनो स्पीसीज़ की, एशियन राइनो स्पीसीज़ की, वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो सके, ओके। और यहाँ पे जो आर्टिकल था जो मैंने आप लोगों के साथ 1 मार्च को डिस्कशन में लिया था, उसकी शायद हेडलाइन थी कि बॉर्डर्स से रिलेटेड कुछ हेडलाइन थी, जहाँ मैंने आपको ये भी बताया था कि जानवरों के लिए कोई बॉर्डर नहीं होता है, सिर्फ इंसानों के लिए बॉर्डर्स होते हैं, ओके। तो यहाँ पे द डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस 2019 दिया गया दिल्ली के अंदर फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दी स्पीसीज़,
एंड डिक्लेरेशन वॉज साइन टू कंजर्व एंड रिव्यू द पॉपुलेशन ऑफ द ग्रेटर वन हॉर्न जावन एंड सुमात्रन राइनो एवरी 4 ईयर्स टू रीअसेस द नीड फॉर जॉइंट एक्शन टू सिक्योर देयर फ्यूचर. यहाँ पे हर 4 साल बाद इनका एक असेसमेंट किया जाएगा कि कितने राइनो बड़े हैं और बाकी सारे देशों के साथ भी यहाँ मुलाकात की जाएगी, जल्द से जल्द हम लोग हमारे टारगेट्स को अचीव कर सकें. ये डिक्लेरेशन ये इंक्लूड करता है अंडरटेकिंग स्टडीज ऑफ द हेल्थ इश्यूज ऑफ द राइनोज, उनकी जो पोटेंशियल डिजीज उनको हो जाती है उनको कर्व करना. और कभी कभार क्या होता है राइनोज एक देश से दूसरे देश में क्रॉस कर जाते हैं. जैसे मैं आपको बताऊँ भूटान के अंदर तो कोई राइनो ही नहीं है, बट यहाँ पर आप देखोगे हमारे देश के जो मानस नेशनल पार्क है उससे यहाँ पर कुछ राइनोज चले जाते हैं, तो उनके ऊपर खतरा ना हो ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो जो ट्रांसबाउंड्री कोलैबोरेशन है वो भी किया है इंडिया नेपाल और भूटान ने. ये वाला वो आर्टिकल था जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन में लिया था 1st of March को, राइनोज विदाउट बॉर्डर इज कंजर्वेशन क्रीडो. तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज डिफाइन नहीं करती यहाँ पे राइनोज को, और एशियन कंट्रीज यहाँ पे साथ में आई वन हॉर्न राइनोज को प्रोटेक्ट करने के लिए. न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन फाइंड आउट किया गया था, साइन आउट किया गया था जिससे ट्रांस बाउंड्री कोलैबोरेशन किया जा सके इंडिया नेपाल और भूटान के बीच में. ओके, ये वाली चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पॉज करके एक बार देख लेना कि क्या क्या चीज़ें आपको पता हैं. इंडियन डायनोसॉरस के बारे में आज आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा स्टफ हम लोग डिस्कशन में लेंगे. तो इंडियन डायनोसॉरस, इसको राइनोसॉरस यूनिकॉर्निस कहते हैं. यूनिकॉर्निस क्यों कहते हैं, क्योंकि यूनिकॉर्न आपने देखे होंगे जिस तरीके से उनके पास एक हॉर्न होता है, उसी तरीके से यहाँ पे इंडियन डायनोसॉरस अपने वन हॉर्न के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. दे आर ऑल्सो नोन एज द ग्रेटर वन हॉर्न डायनोस. यहाँ पे IUCN की लिस्ट में इनको वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर रखा गया है. इनकी जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी फ्रेगमेंट और रिस्ट्रिक्टेड है टू अराउंड 20,000 किलोमीटर. ठीक है, यहाँ पे जो वन हॉर्न डायनोसॉरस हैं दे आर द लार्जेस्ट ऑफ द एशियन डायनोसॉरस. और इनका जो प्रेफरेबल जो हैबिटेट है वो हमारे एल्यूवियल फ्लड पेन्स होते हैं, और वो एरिया हैं जो कि यहाँ पे ग्रासलैंड के अराउंड होते हैं. फॉर्मली वो यहाँ पे पहले पूरे के पूरे गंगेटिक प्लेन्स के अंदर फैले हुए थे, बट उसके बाद धीरे धीरे उनकी जो पॉपुलेशन है रिस्ट्रिक्ट होती चली गई टू स्मॉल हैबिटेट इन इंडो नेपाल टेराई, नॉर्थ बंगाल एंड असम रीजन. यहाँ पे आप देखोगे जो हमारा काजीरंगा है, ओरांग नेशनल पार्क है, पोरी बितरा है, जलतापरा है असम के अंदर, और दुधवा है यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर, काजीरंगा नेशनल पार्क है. ओके, तो इन सब में यहाँ पे आपको वन ऑन राइनो देखने को मिल जाएंगे, और इनमें से जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो 2/3 ऑफ द राइनो पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करता है. साथ ही हमारे देश में एक विजन चल रहा है, नाम है इंडियन राइनो विजन 2020. बेसिकली ये पार्टनरशिप है बिटवीन असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, WWF, IRF, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन, US फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विसेज. मेन गोल यहाँ पे है कि हम लोग 3000 ग्रेटर वन हॉर्न राइनोज की जो पॉपुलेशन है उसको अचीव कर देंगे बाय 2020. ओके, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे, असम के अंदर. याद रखना इंडियन राइनो विजन क्या है. आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 10 पे आपको खबर मिलती है विल वर्क टू ईस्ट टेंशन सेज चाइना. तो चाइना अभी भी ये कोशिश कर रहा है कि वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पे मीडिएशन कर सके, और चाइना ने बोला है कि वो अभी भी एक कंस्ट्रक्टिव रोल निभाना चाहता है जिससे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके. यहाँ पे जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गेव लवरोव, उन्होंने इस चीज़ की यहाँ पे प्रपोजल दिया कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट एंटिटी के रूप में प्ले कर सकती है जिसकी मदद से जो टेंशन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो रिजॉल्व की जा सके. ओके, तो बेसिकली यहाँ किसका इस्तेमाल किया जाएगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल किया जाएगा. और मेन चीज़ इसी आर्टिकल में यही बताया जा रहा है कि हम लोग शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक तो हम लोग सॉल्व करेंगे इशू एज वेल एज यहाँ पे टेररिज्म को कर्ब करने की भी यहाँ पे कोशिश की जाएगी. आपके लिए एक और एक्स्ट्रा स्टफ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिकल और सिक्योरिटी अलाइंस है. 15th of June 2001 में इसको अनाउंस किया गया था इन शंघाई चेन्नई, इसलिए इसका नाम शंघाई के ऊपर पड़ा हुआ है. इसके जो लीडर्स हैं वो चाइना है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रशिया है, तजिकिस्तान है और उज़्बेकिस्तान है, जो कि आप कह सकते हो इसके यहाँ पे ओरिजिनल मेंबर्स हैं. फॉर्मली यहाँ पे उज़्बेकिस्तान इसका पार्ट नहीं था, उज़्बेकिस्तान यहाँ पे थोड़ा सा एंड में 2001 के अंदर ऐड हुआ था, बट यहाँ पे जो 5 थे वो यहाँ पे बेसिक पार्टनर्स थे. और यहाँ पे 2017 के अंदर एक बड़ा डिसीजन लिया गया कि इंडिया और पाकिस्तान को भी एज अ फुल मेंबर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इंक्लूड किया गया अस्ताना कजाकिस्तान वाली मीटिंग के अंदर. ओके, तो इस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल किया जाएगा इंडिया और पाकिस्तान के जो मुद्दे हैं उन्हें रिजॉल्व कराने के लिए. इसी चीज़ को यहाँ पे रशिया भी कह रहा है और इसी चीज़ को यहाँ पे चाइना भी दोहरा रहा है.
आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 12 की तरफ, चाइना यूएस क्लोज टू रीचिंग अ ट्रेड डील। तो यहाँ पे चाइना और यूएस के बीच में जो टिट फॉर टैट जैसे को तैसा वाले जो गेम चल रहा था कि आप हमारे ऊपर जितने टैक्स लगाओगे हम भी आपके ऊपर उतने ही टैक्स लगा देंगे, तो शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? यूएस ने इम्पोज किए थे स्टील और एल्यूमिनियम के टैरिफ, फिर चाइना ने इम्पोज कर दिए यूएस के ऊपर वाइन, पोर्क और पाइप्स के ऊपर टैरिफ, फिर ट्रंप ने इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर टारगेट किया, और फिर चाइना ने सोयाबीन, कार्स और केमिकल्स के ऊपर यहाँ पे अपने सैंक्शंस लगा दिए। उसके बाद दोनों इस फैसले पर पहुँचे थे कि 6 महीने का समय दिया जाए, रोक दिया जाए, नहीं तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी उससे इम्पैक्ट होगी। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इंटीरियर खबरों से एक खबर आई है कि यहाँ पे एक डील साइन आउट हो सकती है दैट वुड रोल बैक टैरिफ्स ऑन बोथ साइड, दोनों ही देश अपने जो टैरिफ्स हैं उनको वापस ले लेंगे। बट इसके ऊपर चाइना को कुछ इंपॉर्टेंट काम करना पड़ेगा कि चाइना क्या करेगा, बहुत बड़े बड़े परचेजेस करेगा ऑफ यूएस एग्रीकल्चर एंड एनर्जी गुड्स, जिससे यहाँ पे यूएस और चाइना के बीच में जो यूएस की तरफ से जो ट्रेड डेफिसिट होता है उसको कम से कम ट्रेड बैलेंस तो किया जा सके। मैंने आपको बताया था डोनाल्ड ट्रंप की जो यहाँ पे स्ट्रेटजी है वो मागा स्ट्रेटजी है, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन वाली स्ट्रेटजी है, और यहाँ पे जो मागा स्ट्रेटजी है उसी के अंदर इंडिया को भी बोला जा रहा है कि हम आपके साथ ट्रेड डेफिसिट नहीं झेल पाएंगे। अब ये भी बताया जा रहा है जो जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस है उससे भी शायद इंडिया को बाहर निकाल दिया जाए, और इंडिया के ऊपर अभी मिरर टैक्स लगाने के लिए भी बोला था डोनाल्ड ट्रंप ने। ओके, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। तो इन रिटर्न यूएस वुड मोस्ट लाइकली टू ड्रॉप द टैरिफ्स ड्रॉप कर देगा, और चाइना भी अपने अपने टैरिफ ड्रॉप कर देगा। बट अभी ये चीज़ अनक्लियर है कि इस पर्टिकुलर डील में क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि अभी जो सूत्र हैं वो यहाँ पे इनफॉर्मल सूत्र हैं। पेज नंबर 13 पे आपको खबर मिलती है सेंटर टू इंसेंटिवाइज वर्क फ्रॉम होम जॉब्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है, और ये बेसिकली हमारे देश के यूथ को, यहाँ पे आप कह सकते हो जो हाउस वाइफ्स हैं और गर्ल्स को स्पेशली, बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाने वाला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक स्कीम लेकर आने वाली है जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम जॉब्स दी जाएंगी आईटी सेक्टर्स के अंदर, और यहाँ पे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दिया जाएगा एम्प्लॉयज़ को और एम्प्लॉयर्स को भी। एम्प्लॉयर्स को इसलिए दिया जाएगा जिससे वो यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम वाला जो कल्चर है उसको थोड़ा सा और बढ़ा सकें। अब यहाँ पे जो इंसेंटिवाइज किए जाएंगे वर्क फ्रॉम होम जॉब्स वो एक पॉलिसी लेवल इनिशिएटिव से किए जाएंगे, जिससे यहाँ पे जॉब्स क्रिएट की जाएंगी इन दी आईटीईएस डोमेन, जो आईटी सेक्टर है या आईटी अनेबल्ड सेक्टर है उनके अंदर दिया जाएगा, जिससे यहाँ पे विमेन और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स का सबसे ज़्यादा बेनिफिट हम लोगों को दिखाई देगा। जो नई वाली स्कीम है ये 3 ईयर के लिए, 3 साल के लिए प्रपोज की जाएगी, और टिल द पीरियड ऑफ मार्च 31, 2022। तो जल्दी ये स्कीम हमें लॉन्च होती नज़र आ सकती है। 270 करोड़ की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी, और यहाँ पे 50,000 वर्क फ्रॉम होम जॉब्स भी प्रोड्यूस करने की इंडियन गवर्नमेंट फोकस करेगी। बेसिकली ये जो इनिशिएटिव होगा ये फेज टू इनिशिएटिव होगा ऑफ द आईटी मिनिस्ट्री से इंडिया बीपीओ प्रमोशन स्कीम। ओके, जो इंडिया बीपीओ प्रमोशन स्कीम है उसको 2016 के अंदर लॉन्च किया गया था 500 करोड़ रुपये के आउटले से। उसका मेन मकसद था कि हम लोग 1.45 लाख जॉब्स हमारे देश में प्रोड्यूस करेंगे। बेसिकली बहुत सारा हमारे देश में टैलेंट पूल है जो कि घरों में वेस्ट हो जाता है, खासकर महिलाएं, क्योंकि 50% हमारे देश की पॉपुलेशन है बट उनमें से बहुत ही कम जॉब करती हैं। कारण ये है कि उनके पास घर के जो काम होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप इन कंपैरिजन देखोगे तो वो काम बाहर वाले कामों से एक कतई भी कम नहीं होते हैं, बल्कि उनसे कहीं ना कहीं ज़्यादा ही होते हैं, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं महिलाओं के पास। ओके, बट अगर उनका मन भी होता है तो भी वो फुल टाइम ऑफिस जॉब्स नहीं ज्वाइन कर पाती, तो उनको अगर ऐसे वर्क फ्रॉम होम जॉब्स दे दी जाए तो यहाँ पे देश की इकोनॉमी में भी बेनिफिट होगा, और उनकी पर्सनल स्टेटस और पर्सनल इकोनॉमिक भी बेनिफिट उनको दिखाई देंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब भी हो सकती हैं, और कंपनीज डोंट नीड टू प्रोवाइड द पीएफ या कोई भी जॉब बेनिफिट भी नहीं प्रोवाइड करने पड़ेंगे। इसके लिए कुछ जो लेबर लॉज हैं उनको भी रिलैक्स किया जाएगा, और स्टार्टअप्स स्टैंडअप इंडिया प्रोग्राम के अंदर भी इसको इंक्लूड किया जाएगा। 2016 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को अनाउंस किया था कि स्टार्टअप्स को एग्जम्प्ट किया जाएगा फ्रॉम 9 लेबर लॉज इंक्लूडिंग द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट ऑफ 1972। इसके साथ साथ यहाँ पे जो लोग वर्क फ्रॉम होम काम करेंगे उनको जितनी भी टेक्निकल इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो लैपटॉप्स हों, स्मार्टफोन्स हों, उनके लिए उन्हें 50% पैसे भी दिए जाएंगे। उनकी कैपिंग रखी गई है 10,000 रुपये फॉर लैपटॉप्स और 5,000 रुपीज़ फॉर स्मार्टफोन्स, और ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए भी 350 रुपये महीने प्रोवाइड किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 13 की तरफ, खबर आपको मिलती है फार्मा सेक्टर ग्रोथ हिट्स 4-ईयर लो इन फिस्कल ईयर 2018। तो फिस्कल ईयर 2018 के अंदर जो हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो थोड़ा सा नीचे रहा, ग्रोथ थोड़ी सी यहाँ पे कम रही।
पिछले 5 साल की अगर आप ग्रोथ कंपेयर करते हो तो आप देखो 2014-15 में 29.01% इंक्रीज रहा, 2015-16 में 12.21, 16-17 में 18.53 और 2017-18 में सिर्फ और सिर्फ 3.03% रहा। अब यहाँ पे 54th पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने पूछा डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल से कि यहाँ पे ये चीज़ें क्यों हुई हैं, तो इसके हमें ये पता लगा कि जो परसेंटेज ग्रोथ है वो डाउन हुई है और रीज़न कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं बताया गया था। ओके, रीज़न यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं बताया गया है, बट ये ज़रूर है कि यहाँ पे जिस तरीके से जो हमारी नेशनल फार्मास्यूटिकल अथॉरिटी है वो कुछ सैंक्शंस लगा रही है, प्राइस कैपिंग लगा रही है, उसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि ग्रोथ यहाँ पे कम होती हुई नज़र आई। साथ ही आगे आपको खबर मिली 7 banks fined फॉर डिलेड स्विफ्ट इंप्लीमेंटेशन, ये न्यूज़ भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन में ले चुका हूँ पहले ही। अब आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि किन किन बैंक्स के ऊपर लगा है, पर स्विफ्ट के बारे में जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है। ओके, तो स्विफ्ट क्या है? स्विफ्ट बेसिकली ग्लोबल मेंबर ओन्ड कोऑपरेटिव है जिसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। इसको फाउंड किया गया था 1973 में बाय अ ग्रुप ऑफ 239 बैंक्स फ्रॉम 15 कंट्रीज और बेसिकली एक कोऑपरेटिव एंटिटी के रूप में काम करती है जिससे इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग सर्विसेज दूर देशों के बीच में जो फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं उनकी जो मैसेजिंग होती है वो हो सके, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स की यहाँ पर फैसिलिटी अवेल करवाई जा सके। ओके, जब से नीरव मोदी का केस सामने आया है उसके बाद यहाँ पे जो स्विफ्ट है वो और भी ज़्यादा हमारी न्यूज़ में आ गई है। स्विफ्ट के फंक्शंस क्या होते हैं? बेसिकली ये फंड ट्रांसफ़र को फैसिलिटेट नहीं करती है बल्कि ये क्या करती है, पेमेंट ऑर्डर सेंड करती है विच मस्ट बी सेटल्ड बाय कॉरस्पॉन्डेंट अकाउंट दैट द इंस्टीट्यूशंस हैव विद ईच अदर। और साथ ही जो स्विफ्ट है वो सिक्योर करती है फिनेंशियल मैसेजिंग कैरियर सर्विसेज जहाँ पे मैसेजेस एक बैंक से दूसरे बैंक में यहाँ पर पहुँच सकें। इसका कोर रोल यहाँ है सिक्योर ट्रांसमिशन चैनल क्रिएट करना सो दैट बैंक ए नोज दैट इट्स मैसेज टू द बैंक बी गोज टू बैंक बी एंड नो वन एल्स। तो अगर बैंक के में कोई ट्रांजेक्शन हो रही है बैंक बी से रिलेट करते हुए तो दोनों के बीच में यहाँ पे मैसेजिंग सर्विस हो सके, ये मेन मकसद है। सिग्निफिकेंस क्या है? बेसिकली जो मैसेजेस यहाँ पे स्विफ्ट के कस्टमर्स को सेंड किया जाता है दे आर दी ऑथेंटिकेटेड यूजिंग इट स्पेशलाइज सिक्योरिटी एंड आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे एंस्क्रिप्शन डेटा का इस्तेमाल किया जाता है जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता आसानी से, यहाँ पे सब चीज़ें सिक्योर होती हैं और मैसेजेस यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहते हैं स्विफ्ट वाले एनवायरनमेंट के अंदर। ओके, सो दिस इज व्हाट वी नोन एज द स्विफ्ट। अभी तक मैंने आपको स्विफ्ट की फुल फॉर्म नहीं बताई है, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट? तो फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स। ओके, आगे बढ़ते हैं, डिमांड फॉर एनर्जी एफिशिएंट एसी इज राइजिंग, पेज नंबर 13 पे आपको एक खबर मिली। ओके, बेसिकली पेज नंबर 14 पे है, करेक्ट कर लेना। तो जो हीटिंग होती है, वेंटिलेशन होती है या एयर कंडीशनिंग वाला जो सेक्टर होता है वहाँ पे फोकस किया जा रहा है ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट आज की डेट में कस्टमर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। आज की डेट में कस्टमर्स भी देखते हैं कि कितने सितारे लगे हुए हैं एनर्जी एफिशिएंसी वाले उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर। यहाँ पे एक ट्रेड फेयर हुआ था मुंबई के अंदर, मैन्युफैक्चरर्स ने इस चीज़ को शोकेस किया कि उनके पास क्या क्या लेटेस्ट प्रोडक्ट हैं, बट दे क्लेम्ड वर 3-10% मोर एफिशिएंट एनर्जी एफिशिएंट कंपेयर्ड टू दी अर्लियर ऑफलिंग। पुरानी वाले जो उनके प्रोडक्ट्स थे उनसे 3-10 गुना ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है और यहाँ पे लोग उन्हीं पर्टिकुलर चीज़ों से अट्रैक्ट हुए। यहाँ पे अगर आप देखोगे वाइल एसीज आर नाउ कंसीडर्ड एज अ नेसेसिटी, आज डेट में एसीज नेसेसिटी हैं जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग भी यूनिट हैं वो भी यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंट एसीज के ऊपर फोकस कर रही हैं। और अगर उन्हें इंडियन कस्टमर्स को यहाँ पे एड्रेस करना है तो उनके हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी एड्रेस करना पड़ेगा कि ब्लैक इलेक्ट्रिसिटी बिल भी यहाँ पे ना बढ़े। ओके, तो इन सब चीज़ों पे फोकस करना है। एस्टिमेट ये किया जा रहा है कि बाय 2050 50% ऑफ ऑल एसीज वुड बी इन्वर्टर एसीज कंपेयर्ड विद 30-35% इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 2018। तो आज के न्यूज़पेपर में इतनी खबरें थी, कैसा लगा आप लोगों को? आप लोग यहाँ पे एक लाइक का बटन होता है उसे दबाकर मुझे इंडिकेट कर सकते हो। कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके आप लोग अपने अपने डाउट्स पूछ सकते हो। आज की वीडियो को एंड करते हैं, सो लव एंड पीस फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइस एंड हैव अ गुड डे अहेड।